सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित हो गई, जिसमें 24 यात्री जख्मी हुए हैं। 5 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। यातायात विभाग की अनदेखी के कारण निरंतर सड़क दुर्घटनाओं पर इजाफा हो रहा है। क्षमता से अधिक ओवरलोड चल रही बसें दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। गुरुवार को कटनी से चलकर शहडोल जा रही राजीव बस सर्विस की यात्री बस बड़वारा थाना क्षेत्र के नैगवा बस स्टैंड में अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गई। बस में सवार यात्रियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क में बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में ये पूरी घटना हुई है। बड़वारा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना में 24 यात्री चोटिल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। दादी को लेके गए थे हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से लौट रहे थे। तो ये ड्राइवर के लिए लापरवाही यार, पता नहीं कैसे क्या चला रहे करते हैं। ये परिवार गांव है, वहीं पे बस पलट गई। कितने लोग थे उसमें? आप थे बस में? जी सर, मैं था, मेरी दादी, मेरी मम्मी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है, नाम है। कहाँ के हैं आप? हम उमरिया, जिला उमरिया, खलेसर। अच्छा, उमरिया के हैं। सर, जो अभी बस पलटी है नैगवा ग्राम के समय, इसमें कितने लोग घायल हुए हैं और कितनों की हालत गंभीर बनी हुई है, और किसकी बस थी सर ये, कहां से कहां जा रही थी? ये कटनी से शहडोल चलती थी बस। बस का नंबर है MP18P0311, राजीव बस सर्विस शहडोल की बस है, जो कि कटनी से शहडोल को जा रही थी। इस बस में करीब 23-24 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 लोगों की सीरियस है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद यहां से जिला अस्पताल कटनी को रेफर किया गया है। शेष बाकी लोग की मतलब हालत ठीक है, जिनका उपचार यहीं अस्पताल में किया जा रहा है। बस मालिक ड्राइवर जो है वो घटनास्थल से फरार हो गया है, जिसके विरुद्ध आपराधिक पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो अभी बस पलटी है, इसमें कितने लोग घायल हुए हैं, कितनों की हालत गंभीर बनी हुई है? अभी जो 1.5 घंटा पहले एक बस पलटी, उसमें 24 लोग टोटल घायल थे, जिसमें से 5 लोग गंभीर थे। उनका प्राथमिक उपचार कर करके जिला चिकित्सालय गंभीर कटनी भेज दिया गया है। बाकियों का इलाज यहाँ पे चालू है, एक्सरे वगैरह कर करके उनको अन्य औषधियाँ दे करके भर्ती किया गया। सर, बच्चे भी कुछ शामिल, महिलाएं भी शामिल है क्या इस घटना में? बच्चे तो नहीं थे, महिलाएं जरूर थी, महिलाएं 6 महिलाएं भर्ती थी, छोटी आई हुई है। ठीक है।